चारधाम सड़क परियोजना के लिए काम कर रही कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच चल रहे परियोजना को लेकर वन विभाग की कार्रवाई सामने आई है। एनएच से संबंधित चार कंपनियों पर लगाई गई है पेनल्टी, 21,88,000 का जुर्माना लगाया गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से ठेकेदार पर आरोप लगा रहे थे। ठेकेदार पर मलबा इकट्ठा कर नदी में गिराने का आरोप लगा है। मार्ग 58 चौड़ीकरण के दौरान ठेकेदारों द्वारा डंपिंग जोन में अधिक मलबा डाला गया है, ये इसके इधर मलबा गिरा हुआ है। इस संबंध में वन अपराध दर्ज किया गया है। 22,00,000 रुपये जुर्माने के रूप में आरोपित किए गए हैं, जो कि उनके द्वारा जमा किया गया है, तथा भविष्य में ऐसी गलती न करें इसके लिए उन्हें चेतावनी दी गई। तो चारधाम सड़क परियोजना के लिए काम कर रही कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच चल रहे परियोजना को लेकर वन विभाग की कार्रवाई जो है वो सामने आई है। एनएच से संबंधित चार कंपनियों पर पेनल्टी लगाई गई है। 21,88,000 का जुर्माना जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से ठेकेदार पर आरोप लगा रहे थे। ठेकेदार पर मलबा इकट्ठा कर नदी में गिराने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा था।